राजधानी शिमला में स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव करने वाली कंपनी के खिलाफ अब नगर निगम सख्त हो गया है। कंपनी द्वारा खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक नहीं किया जा रहा, जिसके चलते अब कंपनी को नगर निगम ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में है। शुक्रवार को नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में शहर की स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था को लेकर बैठक हुई। इसमें बिजली बोर्ड के अधिकारियों से लेकर शहर के स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव संभालने वाली कंपनी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कंपनी को सोमवार से रखरखाव का काम शुरू करने का अल्टीमेटम दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इसमें देरी होती है तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, इसके बाद कंपनी शहर में किसी भी तरह का काम नहीं ले सकेगी। हाँ देखिए, आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी, चाहे वो रूरल के थे या अर्बन के थे, एक सेन एसडीओ और जेईस भी थे, और हमारे कॉरपोरेशन के कमिश्नर और बीएनआर के एक्सन सभी लोग थे। और इसमें जो आपने जो पूछा कि कितनी लाइटें नहीं लगनी है, हमारा 1000 लाइटों का एक प्रपोजल गया हुआ, जिसका वर्क इन प्रोग्रेस है। लगभग 400 या 450 के करीब हमने पोल खड़े कर दिए हैं, और इसके अलावा कुछ पोल्स में जो पुराने पोल है, एग्जिस्टिंग पोल में, उसमें लाइटें लगनी है। सबसे बड़ा इशू हमारा पिछले हाउस में आया था कि लाइटें ख़राब है, काफ़ी लाइटें ख़राब है, उसको अटेंड नहीं किया जा रहा कंप्लेंट्स को। उसकी कंपनी है जो बिजली बोर्ड ने 2-3 कंपनीज़ को साथ एग्रीमेंट किया हुआ, जिसमें EESL है जो मेंटेनेंस देखती है, और एक पोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खड़ा करता है। इनकी दो तरह की इश्यूज़ हैं, तो एक पोल खड़ा करता है बिजली बोर्ड, और जो लाइट को मेंटेनेंस और लगाते हैं वो EESL के लगाते हैं। EESL एक कंपनी है जिसने आगे सबलेटिंग कर रखी है फ्लोरिडा को। फ्लोरिडा कंपनी के साथ हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई आज अभी, इसके साथ ही हमने उनको लाइन भी लिया था, ऑनलाइन उसने अपने इश्यूज़ को एड्रेस किया था, जिससे हम लोग इतने सेटिस्फाई नहीं थे। हमने कहा कि उसका वो शायद इनके साथ EESL के साथ कोई पूरे देश में अलग अलग कंपनीज के साथ उनका एग्रीमेंट चला हुआ है, तो वो उसको मिक्सअप कर रहा था इसमें। तो हमने उसको स्ट्रांगली ये कहा कि अगर आप 2-3 दिन में हमारा ये काम करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम अपने आपके डायरेक्टर से कम लिख के दे देंगे, आपकी कंपनी भी इसमें ब्लैक लिस्ट हो सकती है। तो बिल्कुल मैं इनको बिल्कुल टाइम बाउंड किया है, और इनको क्योंकि हमारा इशू नहीं है, हमारे पार्ट से कोई इशू नहीं है। EESL का वो खुद इनके जो यहाँ पे मिनिस्टर मनीष है वो आए थे, तो उनकी हमारी तरफ से ना कोई पेमेंट का इशू है ना कुछ, और हमने तो पूरी पेमेंट करेगी। इनका इशू जो इन्होंने आगे सबलेटिंग कर रखी है फ्लोरिडा कंपनी है उसके साथ है, और उसका इशू से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने उनको बिल्कुल स्ट्रांगली जो इनका डायरेक्टर है, हमने टेलीफोनिकली उनसे भी बात करी, और उनको चिट्ठी भी लिख रहे हैं हम कि अगर आप 2-3 दिन में हमारे काम शुरू नहीं करते तो हम आपको मिनिस्ट्री में भी लिख के देंगे, और आपके जो रेपुटेशन है उसको भी हम या ब्लैकलिस्ट के लिए बोल देंगे कि अगर आप काम नहीं करोगे। और खैर, अब देखना होगा कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी देने के बाद क्या शहर में स्ट्रीट लाइटों को लगाने का काम शुरू होता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।